छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव से पहले पार्टी की गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। टीएस सिंहदेव पद को लेकर बीच में नाराज भी चल रहे थे, साथ ही उन्हें लेकर छत्तीसगढ़ में हमेशा ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले की चर्चा होती रहती है। वहीं पार्टी नेतृत्व सीएम भूपेश बघेल के साथ लगातार उनके रिश्ते सामान्य करने की कोशिश में जुटी रही है। विवाद थमने के बाद टीएस सिंहदेव हाल के दिनों में सीएम भूपेश बघेल के साथ देखे जा रहे थे। वो लगातार सीएम के साथ दिख रहे थे। साथ ही पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी ढाई ढाई साल की बात नहीं की। वहीं सीएम भूपेश बघेल के एक करीबी विधायक ने उनके बारे में आपत्तिजनक बात की थी। इसके बाद वो विधानसभा से निकल गए थे। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आलाकमान की तरफ से आदेश जारी होने के बाद संभावना है कि टीएस सिंहदेव जल्द ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं कांग्रेस के इस दाव से छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बढ़ गई है। चुनाव से पहले ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। सरगुजा के वो महाराज है। सरगुजा में वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जानकार कहते हैं कि चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को फतह करने के लिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। इससे चुनावी साल में कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।